मेरा नाम है आसिम और आप लोग देख रहे हैं आसिम सभी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो वेलकम बैक टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। उम्मीद करूंगा आप सब बिल्कुल खैर खैर ऐसे होंगे। दोबारा से आके एक ब्रांड न्यू खतरनाक वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बहुत ज्यादा खतरनाक स्क्वाड आई थी हमारे गेम में, जिसमें टॉप रीजन प्लेयर्स भी शामिल है, P9 गेमिंग की स्क्वाड भी आई हुई थी। तो बहुत ज्यादा खतरनाक गेम प्ले देखने को मिली और आप लोगों को बताता चलो कि अगर आप लोग रेड नंबर हेडशॉट्स देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आप लोगों को वीडियो देख के मजा आने वाला है। चलते हैं इसी के साथ वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो हमारी फेवरेट जगह पीक पे मैंने यहाँ पर लैंडिंग कर ली थी। यहाँ पे एक गन देखने को मिली जो कि M14 थी और अंदर एक ट्रोगोन भी मुझे देखने को मिल गई है। ट्रोगोन एक वाहिद ऐसी गन है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही चलाता हूँ। आप लोगों की सबसे बुरी गन जो आप लोगों को लगती है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो ट्रोगोन सबसे बुरी लगती है क्योंकि कभी चलाई ही नहीं है। खैर, बेसिक लूट करने के बाद बंदों की तलाश में मैं एल शेप की तरफ निकल जाता हूँ। तो जैसे मैं एल शेप के पास यहाँ पर आता हूँ मुझे स्टेप सुनाई देते हैं। फटाफट मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर एक बंदी नॉक होती है, इसको जल्दी से चोरी कर लेता हूँ। किसी एनिमी ने को नॉक किया होता है और बाहर जाता हूँ, वो बंदा भी यहाँ से छू मंतर होने की कोशिश कर रहा होता है। मैं यहाँ से इसके पीछे जा ही रहा होता हूँ कि वो मेरा एम लेके बैठा होता है और मुझे एक छोटा सा हेडशॉट मार देता है। खैर, मौका जानकर मैंने भी इसको एक हेडशॉट मार दिया। और तो ये अपने प्यारे भाई P9 गेमिंग थे, इनको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। खैर, इनकी लूट करने के बाद मैं जल्दी से पीक पर आ जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा जो है शॉपिंग कर रहा होता है और मैं उसकी शॉपिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको कंप्लीट करूँगा जल्दी से और लूट करने की कोशिश यहाँ पे कर ही रहा होता हूँ कि एक और बंदा आ जाता है, उसको भी मैं हेडशॉट से नॉक कर लेता हूँ और इसका पूरा स्क्वाड यहाँ पे हम पर टूट पड़ता है और बिल्कुल हमें समझ नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो गया और यहाँ पे हमारे साथ अन्याय ही हो जाता है। यहाँ पे मज़े की बात ये होती है कि हमारा सर्वाइवर बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा होता है और जल्दी से हमें रिवाइव भी दे देता है। यहाँ पर नीचे हर्ट पे बंदे रिवाइव हो रहे थे, मैं जल्दी से यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले वाले को तो मैं ओनली रेड मार के दूसरे को मारने के लिए आ ही रहा होता हूँ, लेकिन वो मेरा किल ही चोरी कर लेता है, जिससे मुझे पता लग जाता है कि ये अपने टीममेट नहीं है और ये ओपोनेंट्स थे और इसको भी मेरा दोस्त मुझसे चोरी कर लेता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। किसी तरह अपने गुस्से पे कंट्रोल कर यहाँ पर मैं कटाटोवा की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे एक बंदा देखने को मिलता है जो कि रिवाइव देने जा रहा होता है टीममेट्स को, और इसको मैं जल्दी से नॉक कर लेता हूँ और इसी खुशी से इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ कि एटलीस्ट ये किल तो मुझसे चोरी नहीं हुआ। ऐसे इसको कंप्लीट किया, यहाँ पे एक और बंदा आया और उसने भी यहाँ पर खुद को पैक कर लिया। किसी तरह मैनेज करके खिड़की से यहाँ इसको मैंने एक छोटा सा हेडशॉट भी मार दिया और ये भी यहाँ पर नॉक हो जाता है और अंदर जाके इंजेक्शन लगा ही रहा होता है कि इसको मैं दोबारा कंप्लीट कर लेता हूँ। और मैं बता देता हूँ कि भाई इतना आसान नहीं है यार टीका लगाना। जोन हमें बहुत जल्दी से आगे तक किल देता है और जोन से और बंदे भी आ रहे होते हैं, इसी का फायदा उठा के यहाँ पे एक बंदे को मैं यहाँ पे किल कर देता हूँ और इसी के साथ 6 किल हो जाते हैं। और नीचे जैसे ही आता हूँ यहाँ पे एक और बंदा भी मैं हेडशॉट से नॉक कर लेता हूँ। इसके बाद जो है मेरे टीममेट ही सारे बंदे किल कर लेते हैं क्योंकि हमारे टीममेट जो है काफ़ी अच्छा खेल रहे थे इस गेम में। और इसी तरह हम ये गेम बुआ कर लेते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी, इसके साथ मैंने एक और गेम प्ले भी अटैच की है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो है रेड नंबर्स मारे थे। ये वीडियो पूरी इंजॉय करो और मुझे बताना कि रेड नंबर तुम लोग को कैसे लगे। और इसी के साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।